तो अंडा मांसाहार है या शाकाहार? वेज और नॉनवेज वाली ये पहेली खाने की चीजों पर रिसर्च करने वालों के लिए शोध का विषय है। आप में से बहुत से लोग अंडा खाना पसंद करते होंगे, बहुत से लोग अंडे को एक स्वास्थ्यवर्धक आहार मानते होंगे और कहते हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे एक शाकाहारी भोजन मानने लगे हैं और इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अंडा अब पोल्ट्री फार्म में विशेष तकनीक से बनाया जाता है, इसलिए अब ये मांसाहारी नहीं रहा। लेकिन इस बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई कि क्या अंडा हर्बल या आयुर्वेदिक भी हो सकता है। भारत में मुर्गी पालन और अंडे पर रिसर्च करने वाले कुछ रिसर्चर ने एक विशेष प्रकार का अंडा तैयार किया है जिसमें आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों का उपयोग किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर्बल अंडे में सामान्य अंडे से ज्यादा गुण होते हैं, ये शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन सवाल ये है कि अंडे को आयुर्वेद और हर्बल चीजों के साथ क्या जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में अंडे को भोजन के रूप में मान्यता दी ही नहीं गई है, लेकिन अंडे के छिलकों का इस्तेमाल एक आयुर्वेदिक भस्म बनाने में किया जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कुछ लोग इस अंडे को आयुर्वेद और हर्बल जैसे शब्दों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मुर्गियों को खिलाने वाले भोजन में आयुर्वेदिक और हर्बल चीजों को शामिल किया जिसका असर अंडों पर हुआ। माना जाता है कि ये अंडे सामान्य अंडों से ज्यादा पौष्टिक होते हैं। सामान्य तौर पर पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को खाने में केमिकल की मिलावट वाला प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और कीड़े मकोड़े दिए जाते हैं। इसके अलावा बीमारियों से बचने के लिए मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवाई भी दी जाती है जिसका असर उस अंडे पर भी पड़ता है। इस तरह के अंडों में और चिकन में एंटीबायोटिक के अंश पाए जाते हैं। हर्बल अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है और इसकी कीमत है 12 से 15 रुपए के करीब, जबकि सामान्य अंडे की कीमत है 4 से 7 रुपए। इससे पहले चेन्नई और हैदराबाद के कुछ इलाकों में आयुर्वेदिक और हर्बल चीजों की मदद से अंडे तैयार करने का सफल प्रयोग किया जा चुका है। वहां इस तरह के अंडे की कीमत करीब 22 रुपए रखी गई थी। अब ऐसा माना जाता है कि हर्बल अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इन अंडों में विटामिन डी, विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है जो बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाती है। कुल मिलाकर के अंडा खाने वालों के लिए बाजार में एक नए तरह का अंडा आ गया है जिसके साथ आयुर्वेद और हर्बल जैसे शब्दों को जोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल बाजार में ऑर्गेनिक फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग केमिकल्स और यूरिया से तैयार होने वाली फसलों से बचने के लिए ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर अंडे को हर्बल बनाने की इस कोशिश से हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग के जमाने में सब कुछ मुमकिन है। अंडे में आयुर्वेद के गुण, लहसुन है, हल्दी है, कलौंजी है, सौंफ है, सतावर है, सालप पंजा है, सफेद मूसली है। गुलाबी अंडे में हर्बल के ताकतवर गुण, करीब 40% के आसपास उनका रेजिडुअल इफेक्ट उन अंडों में आता है और फिर कंज्यूमर जब उसको खाता है तो उसको उससे लाभ होता है। क्या अंडे को आयुर्वेद और हर्बल से जोड़ा जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आयुर्वेद में अंडे को भोजन के रूप में शामिल करने पर कई सवाल हैं। अंडा मांसाहार है या शाकाहार, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने आयुर्वेदिक अंडा तैयार करके इस बहस की दिशा को ही बदल दिया है। अब सवाल ये कि गुलाबी रंग के इस अंडे को आयुर्वेदिक कहा जा सकता है या नहीं, हालांकि इसे तैयार करने वालों का दावा है कि इसमें आयुर्वेद और हर्बल के भरपूर गुण हैं। जो इनका अपना स्पेसिफिक फीड होता है, इनका फीड के अपना सब उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं 17-18 के आसपास। प्रोटीन भी इसमें मेंटेन करना पड़ता है कि हमको करीब 18-20% के आसपास प्रोटीन, एनर्जी लेवल 2700-2800 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं इसमें। इसके अलावा फैट है, इसके अलावा इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अगर आप बारीक तौर पे अगर इसको देखेंगे तो कम से कम 27-28 प्रकार की सामग्री आइटम्स होते हैं जो इसमें मुर्गी के राशन में दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मान लिया आप उनको जो देंगे वैसा ही वो अंडे का उसमें असर आएगा उनको। भारत में अंडे खाने वाले लोग इसे एक स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा एक स्वस्थ भोजन के रूप में खाते हैं। अंडे के सफेद हिस्से में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है।
जबकि इसके पीले हिस्से यानी योक में फैट की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए सेहतमंद रहने के लिए ज्यादातर लोग इसका सफेद हिस्सा खाना पसंद करते हैं। लेकिन हर्बल अंडा तैयार करने वालों का दावा है कि उनके द्वारा तैयार किए गए अंडे का पीला हिस्सा भी खाया जा सकता है, इसका सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता। जो सामान्य अंडा होता है तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ अनडिजायरेबल फैट मैंने बताया था अभी, तो वो अगर मान लिया आदमी उसको खाएगा, ह्यूमन बीइंग उसको अगर खाते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बहुत सारा आपने देखा होगा कि जो जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी डिजीज होती है, हार्ट से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो जो उसका बीच में गोली वाला जो पोर्शन होता है, योक हम उसको कहते हैं, है ना, जो पीला पीला वाला बीच का पोर्शन होता है, उसको हटाने के बाद में जो वाइट प्रोटीन है केवल वही उसको खाते हैं वो लोग, है ना। तो इस आयुर्वेदिक अंडे का वो ये पूरा का तो आयुर्वेदिक अंडे में है कि आप उसको खा सकते हो, चूंकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट है, जो उसका बैड इफेक्ट है, उसको हल्दी या गार्लिक वगैरह उसको काउंटर कर लेती है, वहाँ पर उसके इल इफेक्ट को रेक्टिफाई कर देती है अंदर, तो इसलिए वो किसी हद तक आदमी के ह्यूमन बींग के लिए सेफ हो जाता है आयुर्वेदिक। आमतौर पर मुर्गियों को खाने में केमिकल, प्रोटीन या स्टेरॉइड्स मिला हुआ खाना खिलाया जाता है, जिसका असर उनके अंडों पर भी पड़ता है। जबकि हर्बल अंडे को तैयार करने के लिए मुर्गियों के खाने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और हर्बल चीजें जैसे अदरक, हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंडों में आयुर्वेदिक गुण आ जाते हैं। जड़ी बूटियां खिला करके मुर्गी द्वारा जो अंडे का निर्माण होता है, इसे हम कभी भी आयुर्वेदिक अंडा की संज्ञा नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर बहुत से मुस्लिम भाई बकरों को जो है काजू, किशमिश, अखरोट खिलाते हैं मोटा करने के लिए, तो इस तरह से उस मांस को भी तो आप शाकाहारी मांस नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार से जो मुर्गी है, मुर्गी खाद्य अलग है, लेकिन जो कंसेप्ट आयुर्वेद अंडे का है वो हम इसे कदापि जो है शास्त्र में वर्णन इसका नहीं है। अंडा अंडा ही होता है, वो नॉन वेजिटेरियन ही होता है, दैट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस तो सेम ही है, अंडा हमेशा नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा। किसी पर्सन या किसी थिंग से आ रही है तो स्टिल नॉन वेज ही रहेगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तुम बैकग्राउंड में क्या खा रहे हो। हालांकि सामान्य अंडे से हर्बल अंडे की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के नाम पर आपको कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हालांकि देश के कई हिस्सों में हर्बल अंडों का प्रयोग सफल हो चुका है, लोग सामान्य अंडों के बजाय हर्बल अंडों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अंडों को आयुर्वेद और हर्बल से जोड़कर इसे मांसाहार और शाकाहार वाली बहस से बाहर निकाला जा सकता है। जो अंडा फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब उर्वर, उर्वर मीन्स जिससे आप जिस अंडे के अंदर जो है बच्चे का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि ये मांसाहारी अंडा है। और जिस अंडे में बच्चे का विकास नहीं होता है, चूजे का निर्माण नहीं हो सकता, उसे शाकाहारी कहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि इसके पहचान कैसे, कि पता कैसे लगेगा कि भाई ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है। तो जितने भी कॉमर्शियल लेयर फार्म होते हैं उनसे जो भी अंडे आते हैं वो सारे के सारे नॉन फर्टाइल होते हैं, और हमको 100% कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से शाकाहारी है। ये दलील आपको कितनी समझ में आती है ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन अंडे खाने वालों के लिए बाजार में एक नए अंडे का फ्लेवर आ चुका है, जिसे हर्बल और आयुर्वेद से जोड़ा जा रहा है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, मेरठ।